फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम इनका आंसर देंगे, अगर हमें आंसर नहीं आया तो फिर ये बताएगा, लेकिन पहले हम आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि मुर्गा, अल्लाह ताला ने मुर्गा को क्यों पैदा किया है? ताकि वो अजान दे सके। क्योंकि वो अंडा दे सके। हमसे मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं है। मुर्गी अंडा देती है। हाँ, जब दुनिया में कोई भी नहीं था, जब कोई इंसान नहीं थे, तो जिन घूमते थे ना, तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत अली सलाम को पैदा किया तो एक मुर्गे को पैदा किया, तो उन्होंने जिनों को बोला कि आप जब भी ये अजान दे तो आप गायब हो जाओ। तो जब भी जो है ना मुर्गा, वो फजर की अजान देता है तो फिर वो जिन गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो मगरिब की अजान देता है ना, तो फिर वो सारे जिन खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। एक बार फिरौन की बाई, फिरौन की बेटी की कौम कर रही थी, तो जब कौम गिर गई तो उस बाई ने बोला बिस्मिल्लाह, तो उस फिरौन की बेटी ने बोला कि ये क्या है, तो फिर बाई ने बोला कि ये अल्लाह ताला का इजहार है। तो फिर फिरौन की बेटी ने फिरौन को बताया कि बाई ने बिस्मिल्लाह बोला है। तो फिर फिरौन ने उस बाई को बुलाया, उसने कहा कि तुम अल्लाह ताला का, तुम्हारा अल्लाह ताला खुदा नहीं है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन उस भाई ने कहा कि नहीं, तुम मेरे खुदा हो। उसने कहा कि तुम मुझे खुदा मान लो, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, मेरा सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। तो फिर फिरौन ने कहा कि इसकी दोनों बेटियों को खोलते हुए तेल में डाल दो। फिर फिरौन ने कहा मैं तुम्हें भी डाल दूंगा। उसकी एक दो महीने की बेटी थी, उसने बोला माँ, इस खोलते हुए तेल में आप चली जाओ, क्योंकि ये खोलता हुआ तेल जहन्नम के अजाब के सामने कुछ नहीं है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो भी मुश्किलात हो, हमें इस्लाम पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की मदद से हम जन्नत में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, मरहब कौन था और वो किस कौम का सरदार था, और मरहब को किस नबी ने मारा था? खैबर का दरवाजा था, जिसको बहुत सारे बड़े बिजनेस भी नहीं उठा पाते, और हजरत अली ने अपने दो उंगलियों से वो दरवाजा उखाड़ दिया। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।